आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक क्वेश्चन हल करेंगे जो कि आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस प्रश्न में दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, किसका धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले इन्होंने जो बात की है धनात्मक पूर्णांक की, मान लिया धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, और इन्होंने जो यहाँ दे रखा 3m, देखिए 3m और 3m+1, तो यहाँ हमने b बराबर 3 ले लिया क्योंकि यहाँ 3 है। अब आप जानते हैं कि जब 3 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो आपका शेषफल 0 या 1 या 2 ये हो सकता है। तो अब शेषफल 3 है तो 3 कैटेगरी में आपको ए का मान मिलेगा, ए का मान मिलेगा 3q अथवा 3q+1 अथवा 3q+2। अब ये समझिए इन्होंने क्या कहा कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो आपको मिल गया, ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा है उन्होंने, वर्ग। तो आप अब तीनों अंकों का, ये तीन जो संख्या 1, 2, 3, इन तीनों का वर्ग कर दीजिए, एक यहाँ हो गया, दूसरी का यहाँ हो गया, तीसरी का वर्ग यहाँ हो गया। देखिए इसका वर्ग है ये वाला 3q+2, 3q+2 इसमें वर्ग हो गया, और 3q+1 का वर्ग ये हो गया, 3q का वर्ग ये हो गया। तीनों कंडीशनों को आप हल करके बताएंगे कि इन तीनों का मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान इस रूप में ही आएगा। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम हल करेंगे पहली कंडीशन, कौन सी वाली, ये वाली। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q2। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ब्रैकेट में जो संख्या 3q2 बची है उसको मैंने क्या माना यहाँ पे, m, m क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब इसका मान जब m हो जाएगा तो ये 3 और ये m, तो बन गया क्या 3m। तो आपका सवाल हल हो गया कि जो उन्होंने कहा था कि इसका रूप 3m होगा तो ये करेक्ट है, 3m यहाँ हो गया। अब कंडीशन नंबर देखते हैं हम इस 2 की, किसकी, 2 की। तो देखिए इसमें क्या है कंडीशन 2 में, ये देखिए a का स्क्वायर हो गया ये वाला है ना, एक फॉर्मूला है आपका, देखिए मैंने ऊपर लिखा है ये वाला a+b का होल स्क्वायर, ये याद कर लेना, ये जरूरत पड़ती है इसकी, जगह जगह यूज होता है, a²+b²+2ab। ठीक है, तो अब आप इसमें बताइए लगा करके कि a+b का होल स्क्वायर यहाँ लगाते हैं हम, तो a का वर्ग, b का वर्ग और ये 2ab, बीच में ये प्लस है। ठीक है, तो अब वर्ग करिए इसका, 3 का वर्ग हो गया 9, 1 का वर्ग 1, और इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 × 3 × 1, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 6, और क्यू जो फिर आ गया ये वाला। अब देखिए इसमें से इन दोनों संख्याओं को, 9q और 6q को हमने ले लिया ब्रैकेट में और 1 को रख दिया हमने इधर। ठीक, अब देखिए इसमें से ब्रैकेट में से 3 लिया कॉमन, तो यहाँ जब 3 कॉमन ले लेंगे 9 में से तो 3 बचेगा, और q स्क्वायर यूँ कहते हो 6q में से 3 लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 2q। समझ में ना आए तो देखिए यहाँ से बैक करके देखिए, 3 × 9 और 2 × 6, 6 ही है यहाँ पर। ठीक, तो ये आपकी समझ में आएगा कि कॉमन लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि ब्रैकेट वाली जो संख्या है आपकी ये वाली, ये हमने क्या मान लिया, इसे एम मान लिया, क्या मान लिया, एम। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये संख्या पूरी एम हो गई तो क्या 3m+1, देखिए 3m+1, तो समझ में आ गया होगा आपके कि ये जो है रूप जो है 3m+1 है, और वही इन्होंने पूछा था वो 3m+1 ऊपर जो दे रखा है ये वाला।
अब कंडीशन नंबर तीन रह जाती है, इसको भी दिखाना है कि ये 3m प्लस वन या 3m के रूप में होती है या नहीं। तो उसके लिए मैंने इस पार्ट को देखिए घुमा करके एरो दिया है, ऐसे करके ये सॉल्यूशन इधर है, तो मैं इसे यहाँ समझाऊंगा आपको। देखिए कि ए इसके बराबर 3q प्लस 2 का होल वर्ग, ये वाला है ठीक। इसमें देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9। उसी फॉर्मूले से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का नियम लगाते हुए अब देखिए इसमें 3q का स्क्वेयर 9q स्क्वेयर, 2 का वर्ग 4 और 2 3 6, 6 2 12, तो ये 12 हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 4 है, हमने दो जगह तोड़ दिया है, 4 को हमने दो जगह तोड़ दिया है। कितनी जगह, दो जगह, एक ए और एक, 3 और 1 4 होता है, तो हमने 4 को 3 दो जगह तोड़ करके इसमें कॉमन लेने के लिए हमने संख्या अलग ले ली, 9q ले ली यहाँ पे और 12q यहाँ ले ली और 3 यहाँ पे ले ली हमने, और बचा एक तो वो इधर आ गया ठीक। अब ब्रैकेट में जो संख्या है इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 3, क्या ले लिया हमने कॉमन यहाँ पे, 3, और बचा क्या, 9 में से 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा देखो 3, और 3 में से 3 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, और 12 में से 3 को कॉमन तो 4 बचा, और 1 यों के तो बचा ये वाला। तो अब देखिए ये जो ब्रैकेट वाली संख्या आपकी ये वाली, ये फिर हमने m मान ली, क्या मान ली, m। देखिए मैंने यहाँ माना है ये वाला 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, ये m मान लिया हमने। तो जब ये संख्या हमने m मान ली तो आपकी संख्या बनी 3m प्लस 1। तो देखिए 3m प्लस 1, तीनों आपकी कंडीशन जो थी वो तीनों की तीनों कंडीशन निकल के आ गई, और आप उसमें देख रहे हैं कि जो है 3m और 3m प्लस के रूप में ही आई है। तो इसलिए ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा, इसी के आधार पर एक आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आप स्वयं हल करके मुझे कमेंट में बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ वर्ग था और यहाँ घन की बात की गई है, और 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो वहाँ पर कितना था, 3m था। देखिए यहाँ पर 3m था, यहाँ 9m है, और तो ये नोट कर लीजिए कि यहाँ हम b का मान 9 लेके चलेंगे इस वाले सवाल में, कितना लेके चलेंगे, 9। और 9 के लिए जब किसी संख्या में 9 का भाग देते हैं शेषफल आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा। इस सवाल को आप हल करेंगे और मुझे अपना बताएंगे सवाल को पूरा हल करके ठीक।